आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घटिया न्यूज 24/7। मैं हूँ आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू व कश्मीर में कदीम सकाफती वर्षे के एक्शन प्लान का जायजा लिया। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी 25 जुलाई को क्लॉक टावर लाल चौक अस्त्री नगर से बीजेपी की पहली बाइकर्स रैली को हरी झंडी दिखाएगी। पुंछ जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बारूदी सुरंग के धमाके में एक 12 साल लड़का जख्मी हो गया। जम्मू कश्मीर के नामवर शायर और कलमकार सागर सहराई का इंतकाल। मुख्तलिफ अदबी व सकाफती अंजुमनों और शख्सियात की तरफ से मरहूम को खराज अकीदत। अब खबरों का तबसरा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू व कश्मीर में कदीम सकाफती वर्षे की बहाली, तहफ्फुज़ और देखभाल के लिए स्कीम के मुअस्सर नफाज के लिए एक्शन प्लान का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मरकजी वजीर स्मृति ईरान 25 जुलाई को मशहूर क्लॉक टावर घंटाघर श्रीनगर से कम से कम 300 बाइक सवारों को तिरंगा रैली की हरी झंडी दिखाएगी, जो 26 जुलाई को करगिल जंग की यादगार पर इख्तिताम पसीर होगी। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल ने आज बुलबुल शाह पार्क जीरो ब्रिज राजबाग श्रीनगर में दो रोजा अजीम शान तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसका तआवुन जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट और एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी थे। डिवकॉम ने 15 से 20 किताबें रिलीज की और कहा कि कश्मीर में तहरीरी तौर पर बहुत अच्छा टैलेंट है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मनी लॉन्ड्रिंग केस एनसी चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अधिगर के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से दायर की गई प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीनगर की अदालत में समाप्त हुई। पुंजला में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ बारूदी सुरंग के धमाके में एक 12 साल लड़का जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक रिजवान खान वल्द यूनिस खान साकिना नकरकोट ने गलती से बारूदी सुरंग के धमाके में कदम रखा जब वो मवेशी चरा रहा था। एक मकामी फौजी यूनिट ने जख्मी लड़के को इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की। हमारे नुमाइंदे काउंसिल गुल की रिपोर्ट के मुताबिक डीडीसी मेंबर बनाए वेसू काजीकुंड बिलाल अहमद देवा ने आज भद्राकुंड से बरनखार तक सड़क की मैक्टिमाइजेशन के काम का आगाज किया। जेकेएनएस न्यूज़ के खसूसी नामा निगार काउंसिल गुल से बात करते हुए डीडीसी मेंबर बिलाल अहमद देवा ने कहा कि मैं मुल्क की तरक्की के लिए काम करने के लिए पुरअज़्म हूँ। मजीद क्या कुछ कहा आइए देखते हैं। श्रीनगर शहर में आज सुबह से मूसलाधार बारिशों से गलियों में पानी भरा। इस हवाले से डिप्टी मेयर श्रीनगर ने क्या कुछ कहा आइए देखते हैं। कैमरा पर्सन अनस रियाज के साथ बिस्मा यूसुफ की इस रिपोर्ट में। करने में सवेरे दिक्कत हुई, पानी बिजली चली गई थी, जनरेटर स्टार्ट करने पड़े, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि शहर में सड़कें जेल आप थी, ये बड़े बड़े श्रीनगर खार मोहल्ला रैनावारी में आज जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में अब तक 2 से 3 रिहायशी मकानात जलकर तबाह हो गए। आइए देखते हैं कैमरा पर्सन अनस खान के साथ बिस्मा यूसुफ की ये रिपोर्ट। हजन के मार्शल आर्ट ट्रेनर आफाक अहमद, जिन्होंने अब तक तकरीबन 27,000 तलबा को मुफ्त तरबियत दी है। आइए देखते हैं जेकेएनएस के लिए आदिल अब्दुल्ला की खसूसी रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू व कश्मीर के मारूफ अदीब शायर और फनकार सागर सहराई आज सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में खालिक के हकीकी से जा मिले। सागर सहराई खिता चनाब से ताल्लुक रखते थे। इनके कई शायरी मजमुए मंच से शहूद पर आके कारीन से दाद हासिल कर चुके।
साथ ही इन्हें रियासती सतह पर एजाजात और अकरामात से भी नवाजा गया। मरहूम बहसियत अदाकार भी जाने पहचाने जाते हैं। सागर सहराई के इंतकाल पर जम्मू व कश्मीर कल्चरल एकेडमी पर एक ताजियती मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मरहूम की अदबी खिदमात का तज़किरा किया गया और उनके एहसाले सवाब के लिए फातिहख्वानी की गई। उधर अदबी मरकज इकामरात जम्मू व कश्मीर ने भी सागर सहराई के इंतकाल को जम्मू व कश्मीर के अदबी मंजरनामे के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया है। सागर सहराई के इंतकाल पर जिन अदबी अंजुमनों और शख्सियात ने ताजियत का इजहार किया, उनमें अदबी मरकज कामराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी, साबिक सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी डॉक्टर रफीक मसूदी, वली मोहम्मद असीर अकश्तवारी, मंशूर भानहाली, डॉक्टर शहनाज कादरी, तालिब हुसैन रिंद, फौजिया मुगल, बशीर भदरवाही, प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा, अली शीदा, अंजुमन फरोगे उर्दू जम्मू व कश्मीर, मागाम कल्चरल फ्रंट, दायरा अदब दिलना बारामुला, हल्के अदब सोनावारी हाजन, मिर्जा अदबी संगम, गुलिस्तान अदबो सकाफत जम्मू व कश्मीर काबिले जिक्र हैं। सागर साहब एक पुरबहार शख्सियत के मालिक। सागर सहराई जिली रियासती और कौमी सतह के कई मुशायरों में शामिल हुए और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के लिए एक नाकाबले तलाफी नुकसान है। हमारे नुमाइंदे कौंसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिज फाउंडेशन डोरू शाहबाद एनजीओ ने आज मखमा आयुष जिला अनंतनाग के टाउन से वाईके पोरा काजीगुंड में एक मेगा हेल्थ केयर कैंप का इनेकाद किया। मेगा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह जीडीसी मेंबर वेसु काजीगुंड बिलाल अहमद देवा ने किया। कैंप के दौरान मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गयी। 12 पास आउट तलबा ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी करदा सिलेक्शन लिस्ट के खिलाफ एहतजाज किया। क्या है उनके मुतालबात, आइए देखते हैं कैमरा पर्सन अनस रियाज के साथ बिस्मा यूसुफ की इस रिपोर्ट में। नया मेरिट लिस्ट निकाले या तो हमें अश्योरेंस दे आपका एडमिशन होगा। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीजीडीसी वेब पर गुलाम नबी अनवर ने आज ऐसे लीडर पर तनकीद की जो पीएजीडी पर तनकीद कर रहे हैं और कहा कि उनके पास इत्तेहाद के बारे में कुछ कहने का कोई इखलाकी हक नहीं है। सहाफियों से गुफ्तगु करते हुए गुलाम नबी अनवर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक इंचार्ज आईटी और मीडिया सेल बाणीपुरा बीजेपी नसीर अहमद लोन ने बीडीओ आमिर के साथ आज शिमाली कश्मीर के बाणीपुरा जिला के केन्यारी हाजन इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत की। जल्दी इनका जो है मसला वो हल करेंगे, तो इस लिहाज से अगर हम देखा जाएंगे तो हम शुक्र गुजार है बीडीओ साहब का भी और डीसी साहब का कि उन्होंने विजिट किया। तो हम डीसी साहब ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका जो लैंड का मसला है कि वो जल्द से जल्द हल होना चाहिए। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक सोपोर फ्रूट मंडी में फलों के काश्तकारों की एक रोजा जनरल काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सोपोर, जैनगीर और रफियाबाद के सैकड़ों फल काश्तकार मौजूद थे। मीटिंग का मकसद फल काश्तकारों के चैलेंज पर तबादला ख्याल करना और तमाम फल काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने सदर के सामने अपने ख्याल रखे। आज हमने जनरल इजलास बुलाया था फ्रूट एसोसिएशन फ्रूट मंडी एप्पल टाउन सोपोर का, क्योंकि यहाँ जो बहुत ट्रेडर और ग्रोवर्स होते हैं, क्योंकि 3-4 सालों से हम नहीं करते क्योंकि हालात ऐसे थे, और आज हमने जनरल डिस्कशन थी और उनको जानकारी देनी थी कि ग्रेडिंग सही करें। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली कश्मीर के जिला बाणीपुरा के सुंबल कस्बे में सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। जराये के मुताबिक 17 साल तौफीक अहमद गोरू वल्द अब्दुल खालिक गोरू साकिना नानियार सुंबल साकिना शादीपुरा ट्रक की जद में आया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। हादसे के फौरन बाद गोरू को करीबी मेडिकल इमरजेंसी में ले जाया गया, जहाँ पहुँचने पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। दरअसल पुलिस ने इस सिलसिले में कानून की मुतलका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। खबरों का आज तक हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़ याब कर सकते हैं।
मुझे दीजिए इजाजत। शब खैर।